नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी भीड़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। एक बार फिर इन दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने खड़ी है। हालांकि कुछ देर पहले ऋतिक रोशन ने साफ कर दिया कि वो अपनी फिल्म सुपर 30 को क्लैश से बचाने और बेमतलब निजी और मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट को रोक रहे हैं। ऋतिक ने जानकारी एक इमोशनल पोस्ट के जरिए दी। इसके बाद से ही फिल्मी दुनिया में हंगामा मच गया। ऋतिक ने साफ किया कि उनकी फिल्म तैयार है और रिलीज के इंतजार में है, लेकिन इसके लिए वो निजी और मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए निर्माता निर्देशक से अपील करना चाहते हैं कि उनकी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव कर दिया जाए। ऋतिक के इस बयान के बाद से ही उनके फैंस सपोर्ट में उतर आए हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो ऋतिक के इस फैसले को सही नहीं समझते और उनसे ऐसा न करने की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स हैं और फैंस चाहते हैं कि ऋतिक रोशन डरे नहीं। कई फैंस ऐसे हैं जो ऋतिक का साथ दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो फिल्म को उसी दिन रिलीज करें। इतना ही नहीं, कई यूजर्स ऐसे भी हैं जो कंगना और उनकी बहन को खरी खोटी सुना रहे हैं और फैंस ऋतिक से कह रहे हैं कि उनका फैसला सही नहीं है, उन्हें डेट को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की इस फिल्म की रिलीज डेट काफी पहले ही 26 जुलाई को फिक्स कर दी गई थी, लेकिन इस दौरान एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या भी खिसकते खिसकते इसी तारीख पर पहुंच गई। इसके बाद फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव करते करते आखिरकार मेकर्स ने इसी दिन रिलीज करने का फैसला किया। इसके बाद से ही लगातार ये मसला चर्चाओं में बना हुआ है। इससे पहले भी ऋतिक रोशन की फिल्म 25 जनवरी को कंगना रनौत की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली थी। बहरहाल ऋतिक रोशन के ट्वीट से ये साफ है कि फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर बदलने वाली है। देखना होगा ये विवाद अब क्या नया मोड़ लेता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।